आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की थ्योरी क्लास की थर्ड क्लास पे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं तो हम रिकॉर्डिंग माइक्रो के बाद आगे बढ़ते हैं आज की अगले सेशन की तरफ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? जी सर, ठीक हूँ सर। तो जैसे कि हम यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि हम लास्ट क्लासेस में बताया रिकॉर्डिंग माइक्रो, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद हम जो भी मर्जी करें यूज कर लिए, या फिर आप विजुअल बेसिक पे जाके आप रूल्स में जाके कोड भी कर देते हैं। अब बात आती है कि माइक्रो सेव होती कहाँ है, पहली चीज़ को जानना है कि हमारा रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए सकते। जी हाँ, ये माइक्रो हमारा सेव होता कहाँ, पहले इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। तो जब भी हम माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग करते समय सेविंग लोकेशन या कोड करते हैं तो लोकेशन फिक्स होता है उसका सेव। जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछता है स्टोर इन द माइक्रो दिस वर्कबुक या न्यू वर्कबुक, या नया फाइल खोल के सेव कर देगा, और पर्सनल वर्कबुक मतलब कि ऑफिस लाइब्रेरी में सेव करेगा। तो क्या है दूसरी चीज़ और क्या क्या टाइप के माइक्रो है, पहले उसके बारे में हम जानते हैं। माइक्रो या फंक्शन जो भी बनाते हैं उसके बारे में पहले जानिए कि माइक्रोज बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा पब्लिक माइक्रो। जी हाँ, पब्लिक माइक्रो। पब्लिक माइक्रो जैसे कि आपने रिकॉर्ड करते समय आपने यहाँ दिस वर्कबुक ऑटोमेटिकली जो सेलेक्ट होता है उसको छोड़ दिया, या फिर आप विजुअल बेसिक पे गए और मॉड्यूल में जाके आप यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिए, इसको पब्लिक माइक्रो कहा जाता है। पब्लिक माइक्रो कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये फाइल, जैसे कि मैंने फाइल हमारा कौन सा है, ये फाइल हमारा बुक वन है, तो बुक वन जहाँ जहाँ जाएगा आपका फाइल भी आपके माइक्रो भी वहाँ वहाँ जाएंगे, और जो लोग बुक वन को एक्सेस कर पाएंगे उसके हर एक सिस्टम पे आपको यहाँ दिखेगा माइक्रो का, मतलब जो भी इस फाइल को एक्सेस करेगा वो माइक्रो को भी एक्सेस करेगा, जो भी इस फाइल को एक्सेस करेगा वो माइक्रो को भी एक्सेस करेगा, राइट? जी सर। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि और क्या हो सकता है। देखिए, जब हम माइक्रो डिफाइन करते हैं पब्लिक माइक्रो होता है जो कि मुझे यहाँ भी दिखता है और किसी और फाइल में भी दिखता है। जी हाँ, माइक्रो जो है एक तो है कि आपके फाइल के साथ ट्रेवल करती है, और साथ में आपका जहाँ जहाँ आपका फाइल खुला है आप उस पीसी के हर एक फाइल पे, जब तक आपके फाइल में, हमने बुक वन में माइक्रो बनाया ना, जब तक मेरा बुक वन ओपन है तब तक मैं किसी भी फाइल में अपने इस माइक्रो को रन कर सकता हूँ। जी हाँ, नोट कीजिए, आप जब भी फाइल सेव रखेंगे, फाइल ओपन रखेंगे, तो इस फाइल को आप किसी भी फाइल में इस फाइल के माइक्रो को रन कर सकते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? जी सर। अब इसका एक प्रॉब्लम भी है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसा टूल सब बनाना चाहते हैं, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है या फॉर्मूले है, इस तरह के कुछ टूल सब बनाना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा माइक्रो जैसे ही माइक्रो फाइल जैसे ही क्लोज होगा हम किसी और माइक्रो का रिकॉर्डिंग या कोडिंग जो भी है वो यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बुक वन जैसे ही क्लोज किया तो हमारे माइक्रो लिस्ट से नाम हट जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है तो फिर कैसे होगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ टूल्स बनाना चाहता हूँ जो पिवट एक्सेल का पार्ट हो,
जैसे कि पिवट टेबल है, कंडीशन फॉर्मेटिंग है, फॉर्मूले वगैरह है, चूंकि हर फाइल पे, हर न्यू एंड ओपन फाइल दोनों पे मुझे इसका मिलता है, ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं। तो उसके दो दो चीजें हैं। पहली है कि आप रिकॉर्ड करते समय माइक्रो को पर्सनल वर्कबुक में डालते हैं। तो पर्सनल वर्कबुक में डालने की दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये होगी आपकी कि ये आपका पर्सनल वर्कबुक बन जाएगा। अब पर्सनल वर्कबुक बनने के पास क्या होगा, जितनी कोडिंग्स है, एक कोडिंग आपका ऑफिस लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। मतलब इस कोडिंग को किसी को शेयर नहीं कर सकते आप, अगर आपने पर्सनल वर्कबुक में डाल दिया तो आपके एक फाइल के एक लॉगिंग में होगा, दूसरे लॉगिंग में करेंगे वहां भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पर्सनल वर्कबुक, पर्सनल माइक्रो वर्कबुक में क्रिएट करेगा। लेकिन आपके सिस्टम के हर फाइल के माइक्रो लिस्ट में आपको दिखेगा। लेकिन मैं पर्सनल वर्कबुक बनाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि फिर कोडिंग में एडिट वगैरह में दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में आप अपने फाइल को सेव एज करेंगे एडिंस में, मतलब कि आप पहले माइक्रो बना लेंगे, जो जिस फाइल में आपने माइक्रो बनाया है उसको एडिंस में बनाएंगे। चलिए एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे पूछा था फोन पे कि उनको करेंसी टू टेक्स्ट का फॉर्मूला बनाना है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे 1000 लिखा, तो यहाँ पे 1000 रुपीज, या 5000 लिखा, 5500 रुपीज, इस तरह से वर्ड में लिखा हुआ, जैसे आप लोग चेक वगैरह पे, डीडी वगैरह पे लिखा होता है। तो इसके लिए आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, सर्च में जाएंगे और यहीं पे आप कन्वर्ट नंबर टू, यहां 10 रिजल्ट आ गया, मोर रिजल्ट्स पे आए, यहां पे कन्वर्ट नंबर टू वर्ड एक्सेल, यहां पे देखिए ए प्रोग्राम है। आप इस प्रोग्राम को आप क्या करें, कॉपी कर ले, इस कोड को, सारे कोड को कॉपी कर ले, लिखा हुआ कोड बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद क्या करें, आप विजुअल बेसिक पे जाएं और मॉड्यूल्स में, नया मॉड्यूल्स में या पुराने मॉड्यूल्स में ही आप इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद कई जगह पे रेड आएगा, तो इसमें क्या हुआ कि लाइन की प्रॉब्लम है। ये अंडरस्कोर होता है, अंडरस्कोर के बाद एक ही लाइन होती है, एक लाइन ब्रेक करना होता है, लेकिन यहाँ पे दो ब्रेक था इसलिए रेड आ रहा था, मैंने एक को डिलीट कर दिया। दूसरा एक और आपको एक दो और आएंगे, जैसे यहाँ देखिए अंडरस्कोर के बाद दो लाइन होनी चाहिए, तो लाइन नहीं है इसलिए मैंने एक एंटर मार के लाइन क्रिएट कर दिया। तो इस तरह के रेड कलर आएंगे, आपने देख लिया रेड कलर नहीं है। अब देखिए मैं इसको सिंपल से अप्लाई कर सकता हूँ, इसका नंबर है स्पेल, स्पेल नंबर, इसको सिलेक्ट करके एंटर मारा तो ये आपका आ गया। बट इसमें चेंजिंग करना है कि ये $500 दिखना है मुझे, यहाँ डॉलर्स नहीं दिखाना है। तो जहां जहां इन्वर्टेड कॉमा में डॉलर लिखा हुआ है उसको आप क्या करें, उसको रुपीज कर दो, सिंपल। जैसे कि एंड नो डॉलर आ रहा है, सेंस एंड नो डॉलर, नो सेंस, तो नो सेंस मतलब कि नो पैसा जरूरी नहीं होता हम लोगों का, डॉलर के जगह पे मैं यहाँ पे रुपीज कर देता हूं। पर इन्वर्टेड कॉमा को ही चेंज कीजिएगा, याद रखिएगा सर, ये इस डॉलर को चेंज मत कीजिएगा। $1 है तो मैं यहां पे रुपीज कर देता हूं डॉलर को, और यहां डॉलर्स है, नो डॉलर्स, तो नो डॉलर्स की जरूरत यहां नहीं है, डिलीट कर दिया। सेंस को मैं यहां पे एंड सेंस हो गया, एंड नो सेंस मैं इसको हटा देता हूं, और यहां पे आता है पैसे, पैसे आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां आ गया 5500 रुपीज, और मैं 5-5-10 कर दिया तो आ जाएगा 505 रुपीज यहां दिख रहा है। अब मुझे यहां पे ओनली लगाना है,
तो यहाँ पैसे के बाद आप ओनली कर दें और यहाँ रुपीज के बाद ओनली कर दें। वन रुपी यहाँ पे देखिए क्या ओनली आ गया। अब हमने स्पेल नंबर बनाया, अब स्पेल नंबर थोड़ा सा बड़ा है, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ स्पेल नंबर को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ CWN कर देता हूँ, CWN। नीचे यहाँ एक और दिखेगा स्पेल नंबर कहीं लिखा हुआ दिखेगा, उसको भी आपको CWN करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्मूला, इसके अंदर मारते हैं, ये फॉर्मूला नेम का एरर देगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। CWN अपना हम फॉर्मूला बना दिए, चेंज नंबर, चेंज वर्ड नंबर आ गया। अब बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो है इसी फाइल में लग रहा है। अब मान लीजिए अनदर फाइल में लगाना चाहूँ, मैं एक और फाइल खोलता हूँ, मुझे यहाँ पे नंबर दे दिया, मुझे यहाँ इसको अप्लाई करना है, तो CWN ब्रैकेट ओपन किया, लिस्ट में नहीं आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, क्लोज किया, यहाँ पे नेम का नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें मुझे अगर ये लगाऊं मैं, कौन सा नाम क्या है इसका, बुक टू, बुक वन, कि बुक वन, और फिर हमने यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर दिया। अब आ जाए ठीक है, बट इस तरह से प्रॉब्लम होगी ना बॉस सर, क्योंकि अभी जैसे फाइल ओपन है, ये हमारा फाइल ओपन है, ये जो बुक हमारा जिसमें हमारा बुक वन में बना है, ये फाइल ओपन है, तो अभी आपको दिख रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि फाइल आपका हमेशा ओपन रहे। तो मैंने क्या किया, इस फाइल को सेव एज किया। सेव एज करने के बाद ब्राउज में किसी एक लोकेशन पे चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सेव एज टाइप में मुझे यहाँ Add-ins लेना है। क्या लेना है, Add-ins, Excel Add-ins, और एक लोकेशन जहां आप रखना चाहते हैं उस locations में हम इसको रख देते हैं, MF में करके इसका नाम दे देते हैं CWN, ठीक है, चाहे यहां पे FUN भी कर देंगे तो चलेगा, एंड यस कर देंगे। अब मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं, इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से जितना माइक्रो है ना, उस माइक्रो को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, तो यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मारूंगा यहाँ पे कर्सर, तो फुल फाइल खोजेगा, क्योंकि फाइल ओपन होना चाहिए, नहीं तो एंड नेम का एरर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो CWN का फाइल एडिंस में एक्सट्रैक्ट किया है उसको एक बार देख लीजिए, हमने उसको इसको एडिंस में एक्सट्रैक्ट किया है, और इसका ये रहा, अच्छा इसका आइकन भी देख रहे हैं चेंज हो गया आपका। इसको ओपन करेंगे इसमें कोई डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ माइक्रो की कोड सेव हुई है, ओनली फॉर माइक्रो कोड्स को सेव किया गया। तो यहां हम एक्सेल ऑप्शन में आएंगे और यहां एडिंस पे जाएंगे, यहां एक्सेल एडिंस सिलेक्ट करके ओके करेंगे और ब्राउज पे जाएंगे, और ब्राउज पे जाने के बाद मैं अपने लोकेशन पे आऊंगा और इसको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, ठीक है, एंड ओके। अब मैं यहां पे CWN सिलेक्ट किया, देख आ गया सर, अब ये हर फाइल में आएगा। एक नया फाइल हमने लिया, यहां देखिए नया फाइल हमने लिया एक, और उसमें भी हमने इस तरह के डाल दिया। अब यहां पे देखिए CWN आ गया। उसी तरह से आपके माइक्रो जब बना होगा तो आपको यहां माइक्रो लिस्ट में भी हर फाइल के माइक्रो लिस्ट में आपको मिलेगा। तो एडिंग समझ में आ गया, एडिंग क्या होता है। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि आपके कलीग आपके मित्र ने बोला कि मुझे भी ये माइक्रो दे दे, तो आपको कोई फाइल भेजने की जरूरत नहीं है, बस ये इसको भेज दीजिए, क्योंकि इसके साथ आपका डेटा नहीं जाएगा, सिर्फ इसकी कोड्स जाएगी, वो इसको रन करके देख लेंगे। और कल के डेट में मुझे इसमें एडिट वगैरह करना हुआ तो भी हम एडिट कर सकते हैं। कैसे, हम एक्सेल में जाएंगे तो यहाँ देखिएगा, वो हमेशा ये हमारा फन वाला
आएगा यहाँ। अब इसके मॉड्यूल्स में आके हम जो चेंजिंग करना चाहते हैं वो चेंजिंग कर सकते हैं, राइट सर? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर, मुझे तो नहीं। तो ये एडिंग्स था। तो ये हमारा पर्सनल माइक्रो की जगह पे एडिंग्स का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, पर्सनल माइक्रो को डिलीट यहां से सिलेक्ट करके आप यहां से डिलीट कर दीजिएगा। ये रहा किसी भी मॉड्यूल्स को डिलीट करने का ऑप्शन होता है, रिमूव मॉड्यूल्स। सुजीत से नीरज बात कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सा एडिंग का बताएंगे इसका क्या यूज कर रहे हैं। हेलो, चलिए दोबारा बताता हूँ। क्या जब भी आप कोई माइक्रो बनाते हैं तो उस माइक्रो को शेयर कैसे, मतलब कि कभी आपने किसी फाइल में, किसी एक फाइल में माइक्रो बनाया तो उस फाइल के आप उसी फाइल में उसको यूज कर सकते हो। जब तक वो फाइल ओपन है तब तक अनदर फाइल पे इसका यूज नहीं कर सकते आप। सॉरी बोलते बोल दिया, जब तक ओपन है तब तक अनदर फाइल, मतलब कि हमने बुक वन में कोई माइक्रो बनाया तो उसको हम बुक टू, बुक थ्री, बुक थ्री फोर पे ओपन कर सकता हूँ, लेकिन कंडीशन है कि एक ओपन होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि बहुत सारे फॉर्मूलेज आपने क्रिएट किए हैं, बहुत सारे कमांड क्रिएट किए हैं, तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, समझे? बट एडिंग्स में आपने फाइल को सेव कर दिया और वापस जाके एड कर लिया तो फिर आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी मैंने एक फॉर्मूला बनाया CWN, मैं पूरी एक्सेल को क्लोज कर देता हूं, मैं इसको भी नो कर देता हूं, पूरी एक्सेल क्लोज कर देता हूं, फिर नया एक्सेल लूंगा उसमें भी ये फॉर्मूला मिलेगा, मतलब कि ये हमारा एक एप्लीकेशन का पार्ट बन गया सर, समझे? जी समझ में आपको अभी नहीं? हाँ सर। तो एडिंग्स का इस्तेमाल होता है फाइल को माइक्रो को ग्लो आपने पब्लिकली अपने फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए, कि हर फाइल पे उसका यूज कर सकूं इसके लिए, या किसी को भेजना है आपको तो अपनी फाइल उठा के मेल कर दीजिए, वो उस पर यूज कर पाएगा, समझे? ओके चलो, ये हमारा एडिंग्स का पार्ट। तो पब्लिक माइक्रो, पर्सनल माइक्रो, पब्लिक माइक्रो समझ में आ गया। दूसरा हमारा होता है इवेंट माइक्रो। इवेंट माइक्रो का मतलब कि मैं जहां इवेंट करूं मेरा माइक्रो वहीं पर रन हो। जैसे कि मैंने राइट क्लिक किया और मैंने व्यू कोड पे गया और मैंने बोला वर्कशीट के ऊपर सिलेक्शन, और मैंने बोला कि एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर कलर इक्वल टू VB रेड, और मैं जहां भी क्लिक करूंगा वहां कलर रेड। तो अब मुझे माइक्रो रन करने की जरूरत नहीं है, मेरे पर्टिकुलर एक्शन पे ऑटोमेटिकली रन हो जाए। तो ऐसी फाइल ओपन होते ही, सीट इंसर्ट होते ही, फाइल क्लोज होते ही, फाइल सेव होते ही, डबल क्लिक होते ही, ऐसे इवेंट भी आप कोड रन करेंगे तो उसको बोलते हैं इवेंट माइक्रो। तो बेसिकली माइक्रो के तीन टाइप होते हैं, पहला होता है हमारा पर्सनल, दूसरा होता है हमारा पब्लिक, दूसरा पर्सनल, और तीसरा होता है प्राइवेट, मतलब कि इवेंट माइक्रो। क्लियर है सर? दो ही तो होते हैं, पब्लिक और पर्सनल।